दोस्तों सुनील शेट्टी का जन्म 11 अगस्त 1961 को हुआ था। इनके पिता का नाम वीरप्पा शेट्टी और पत्नी थी माना शेट्टी। सुनील शेट्टी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1992 में बलवान मूवी से की थी। फिल्म में मुख्य भूमिका में सुनील शेट्टी, दिव्या भारती और डैनी डेंजोंगपा थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसके बाद 1993 में मूवी आई थी वक्त हमारा है। मुख्य भूमिका में सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, आयशा जुल्का, ममता कुलकर्णी, रमी रेड्डी, अनुपम खेर, टीकू तलसानिया हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज थी। इस साल एक और मूवी आई पहचान। मुख्य भूमिका में सुनील शेट्टी, सैफ अली खान, शिल्पा शिरोदकर, मधु, किरण कुमार और रजा मुराद हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। इसके बाद 1994 में मूवी आई थी दिलवाले। मुख्य भूमिका में सुनील शेट्टी, अजय देवगन, रवीना टंडन, परेश रावल, गुलशन ग्रोवर और सईद जाफरी थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इस साल एक और मूवी आई थी अंत। मुख्य भूमिका में थे सुनील शेट्टी, सोम अली, परेश रावल, मोहन जोशी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट थी। इस साल एक और मूवी आई थी मोहरा। मुख्य भूमिका में थे सुनील शेट्टी, नसरुद्दीन शाह, अक्षय कुमार, रवीना टंडन, परेश रावल, सदाशिव अमरापुरकर, गुलशन ग्रोवर और रजा मुराद। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। इस साल एक और मूवी आई गोपी किशन। फिल्म में सुनील शेट्टी के साथ करिश्मा कपूर, शिल्पा शिरोदकर, सुरेश ओबराय हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट थी। इस साल एक और मूवी आई हम हैं बेमिसाल। फिल्म में सुनील शेट्टी के साथ अक्षय कुमार, शिल्पा शिरोदकर, प्राण और रमी रेड्डी हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज थी। इसके बाद 1995 में मूवी आई थी सुरक्षा। फिल्म में सुनील शेट्टी, आदित्य पंचोली, सैफ अली खान, मोनिका बेदी हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज के नीचे थी। इस साल एक और मूवी आई रघुवीर। फिल्म में मुख्य भूमिका में सुनील शेट्टी, शिल्पा शिरोदकर, सुरेश ओबराय, मोहिनीस बहेल, गुलशन ग्रोवर और प्रेम चोपड़ा हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज थी। इस साल एक और मूवी आई गद्दार। फिल्म में सुनील शेट्टी के साथ सोनाली बेंद्रे, हरीश कुमार, किरण कुमार और आलोक नाथ थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इस साल एक और मूवी आई टक्कर। फिल्म में सुनील शेट्टी के साथ सोनाली बेंद्रे, नसरुद्दीन शाह, सभी इनामदार, टीकू तलसानिया थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज थी। इसके बाद 1996 में एक मूवी आई एक था राजा। फिल्म में सुनील शेट्टी के साथ आदित्य पंचोली, सैफ अली खान, नीलम कोठारी, प्रतिभा सिन्हा, कादर खान, शक्ति कपूर और आलोक नाथ थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इसके बाद इसी साल एक और मूवी आती है विश्वासघात। फिल्म के मुख्य भूमिका में सुनील शेट्टी, अंजीर जठर, अनुपम खेर और किरण कुमार थे और यह मूवी संयोग बस फ्लॉप हो जाती है। इसी साल एक और मूवी आती है कृष्णा। फिल्म में सुनील शेट्टी के साथ करिश्मा कपूर, ओम पुरी, शक्ति कपूर और मोहन जोशी थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट थी। इस साल एक और मूवी आई थी शस्त्र। मुख्य भूमिका में थे सुनील शेट्टी, अंजलि जठर, डैनी, अनुपम खेर, मुकेश ऋषि और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज थी। इस साल एक और मूवी आई थी सपूत। मुख्य भूमिका में थे सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर, सोनाली बेंद्रे, जॉनी लीवर, मुकेश ऋषि, प्रेम चोपड़ा और किरण कुमार और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज थी। इस साल एक और मूवी आई थी रक्षक। सुनील शेट्टी के साथ फिल्म थे करिश्मा कपूर, सोनाली बेंद्रे, अरुणा ईरानी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इसके बाद 1997 में मूवी आती है पृथ्वी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी के साथ शिल्पा शेट्टी, फराज खान, श्वेता मेनन हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इसी साल एक और मूवी आई थी जज मुजरिम। फिल्म में सुनील शेट्टी, जितेंद्र, अश्विनी भावे, जॉनी लीवर, मुकेश खन्ना और किरण कुमार थे और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल एक और मूवी आई भाई। फिल्म में सुनील शेट्टी, पूजा बत्रा, सोनाली बेंद्रे, ओम पुरी, कादर खान, शक्ति कपूर, आशीष विद्यार्थी थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। इस साल एक और मूवी आई ढाल। फिल्म में सुनील शेट्टी, विनोद खन्ना, अमरीश पुरी, डैनी डेंजोंगपा थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल एक और मूवी आती है कहर। इस फिल्म में सुनील शेट्टी के साथ सनी देओल, अरमान कोहली, सोनाली बेंद्रे, दीप्ति भटनागर, राज बब्बर, गुलशन ग्रोवर, परेश रावल, किरण कुमार और रजा मुराद थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल एक और मूवी आती है बॉर्डर। इस फिल्म में सुनील शेट्टी के साथ सनी देओल, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, तब्बू और पूजा भट्ट थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद 1998 में मूवी आती है विनाशक। फिल्म में सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, डैनी, मुकेश ऋषि, आलोक नाथ और ओम पुरी हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर संयोग बस फ्लॉप हो गई। इसके बाद इसी साल एक और मूवी आती है आक्रोश। फिल्म में सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, टीना जोशी, सुरेश ओबराय जैसे कलाकार नजर आते हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर भी फ्लॉप हो जाती है। इसी साल एक और मूवी आई हमसे बढ़कर कौन। फिल्म में सुनील शेट्टी के साथ सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, दीप्ति भटनागर, रजा मुराद, मुकेश ऋषि हैं और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इस साल एक और मूवी आई सर उठा के जियो। मुख्य भूमिका में थे सुनील शेट्टी, नसरुद्दीन शाह, सलमान खान, अजय देवगन, गुलशन ग्रोवर, किरण कुमार और रजा मुराद। यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है।
इसके बाद 1999 में मूवी आती है हु तू तू। फिल्म सुनील शेट्टी, नाना पाटेकर, तब्बू, सुहासिनी मुलाये हैं और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इस साल एक और मूवी आई थी बड़े दिलवाला। फिल्म में सुनील शेट्टी, प्रिया गिल, परेश रावल, राजू श्रीवास्तव हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हो गई। इसके बाद इसी साल एक और मूवी आई काला साम्राज्य। फिल्म में सुनील शेट्टी, मोनिका बेदी, अमरेश पुरी हैं और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। इसके बाद 2000 में एक मूवी आती है क्रोध। फिल्म में सुनील शेट्टी, रंभा, जानी लीवर, कादर खान, मोहन जैसी और रमी रेड्डी हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल एक और मूवी आती है हेरा फेरी। फिल्म में सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, परेश रावल, तब्बू, ओम पुरी, गुलशन ग्रोवर, मुकेश खन्ना हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसी साल एक और मूवी आई रिफ्यूजी। फिल्म में सुनील शेट्टी, अभिषेक बच्चन, जैकी श्रॉफ, करीना कपूर, अनुपम खेर, आशीष विद्यार्थी थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इस साल एक और मूवी आती है जंगल। फिल्म में सुनील शेट्टी, फरदीन खान, उर्मिला मातोंडकर, सुशांत सिंह राजपाल यादव थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। इस साल एक और मूवी आई धड़कन। फिल्म में सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, महिमा चौधरी और किरण कुमार थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इस साल एक और मूवी आई आगाज। फिल्म में सुनील शेट्टी, सुष्मिता सेन, गुलशन ग्रोवर, असरानी, अनुपम खेर और जानी लीवर नजर आए और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इसके बाद 2001 में मूवी आती है कुछ खट्टी कुछ मीठी। फिल्म में सुनील शेट्टी, ऋषि कपूर, रीति अग्निहोत्री, काजोल नजर आई और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है। इस साल एक और मूवी आती है सुनील शेट्टी की ऑफिसर। फिल्म में सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, डैनी डेंजोगोपा, सदाशिव अमरापुरकर नजर आते हैं और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इस साल एक और मूवी आई प्यार इश्क और मोहब्बत। फिल्म में सुनील शेट्टी, आफ्ताब शिवदासनी, अर्जुन रामपाल, कीर्ति रेड्डी नजर आई और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर हो गई। इस साल एक और मूवी आई इत्तेफाक। फिल्म में सुनील शेट्टी, पूजा बत्रा, टीकू तलसानिया, शक्ति कपूर, मोहन जोशी, कादर खान और रज्जाक खान थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। इसी साल एक और मूवी आती है 12B। यह एक तमिल फिल्म है। फिल्म में सुनील शेट्टी, शाम, सिमरन, ज्योतिका हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। इस साल एक और मूवी आती है ये तेरा घर ये मेरा घर। फिल्म में सुनील शेट्टी, महिमा चौधरी, परेश रावल, असरानी और नगमा हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। इस साल एक और मूवी आई एहसास। फिल्म में आनंद राज आनंद, शक्ति कपूर, किरण खेर, सुनील शेट्टी और राखी सावंत हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर थी। इसके बाद 2002 में एक मूवी आती है आवारा पागल दीवाना। फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, आफ्ताब शिवदासनी, जानी लीवर और ओमपुरी नजर आए और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इस साल एक और मूवी आती है जानी दुश्मन। फिल्म में सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सोनू निगम, आदित्य पंचोली, राज बब्बर, अरमान कोहली, मनीषा कोयराला हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। इस साल एक और मूवी आती है अनर्थ। फिल्म में संजय दत्त, सुनील शेट्टी, गौतम रोड़े, आशुतोष राणा और जानी लीवर थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर थी। इसी साल एक और मूवी आई थी कर्ज। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, सनी देओल, शिल्पा शेट्टी, जानी लीवर, आशुतोष राणा और किरण खेर हैं और यह मूवी भी संयोगवश फ्लॉप हो गई। इस साल एक और मूवी आई मसीहा। फिल्म में सुनील शेट्टी, नम्रता शिरोदकर, इंदर कुमार, राजपाल यादव, मुकेश ऋषि और टीकू तलसानिया हैं और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर हुई। इस साल एक और मूवी आई कांटे। फिल्म में अमिताभ बच्चन, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, महेश मांजरेकर, मल्लिका अरोरा, रति अग्निहोत्री हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज के नीचे रही। इसके बाद 2003 में मूवी आई बाज। फिल्म में जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, करिश्मा कपूर, डीनो मौर्या हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई। इसी साल एक और मूवी आई खंजर। फिल्म में सुनील शेट्टी, तब्बू, गुलशन ग्रोवर, पंकज धीर, मोहन जोशी, अर्चना पूरन सिंह और लक्ष्मीकांत ब्रेडे हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इस साल एक और मूवी आई कयामत। फिल्म में अजय देवगन, सुनील शेट्टी, नेहा धूपिया, संजय कपूर, अरबाज खान, ईशा कोप्पिकर और चंकी पांडे हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इस साल एक और मूवी आती है खेल। इस फिल्म में सनी देओल, सुनील शेट्टी, अजय जडेजा और सेलिना जेटली नजर आते हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर भी फ्लॉप थी। इस साल एक और मूवी आई एलओसी कारगिल। फिल्म में अजय देवगन, सुनील शेट्टी, सैफ अली खान, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, अक्षय खन्ना, आशुतोष राणा जैसे कलाकार थे और यह मूवी भी संयोग बस फ्लॉप हो गई। इस साल एक और मूवी आई एक हिंदुस्तानी। फिल्म में सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, मोहिनीश बहेल, मोहन जोशी थे और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इस साल एक और मूवी आई तेरे प्यार की कसम। फिल्म में संजय दत्त, सुनील शेट्टी, महिमा चौधरी, ओम पुरी, कबीर बेदी, तरुण खन्ना हैं और यह मूवी भी संयोग बस फ्लॉप थी। इसके बाद 2004 में मूवी आई रुद्राज। फिल्म में सुनील शेट्टी थे, संजय दत्त, बिपाशा बसु, ईशा कोप्पिकर और कबीर बेदी थे और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इस साल एक और मूवी आई मैं हूं ना। फिल्म में शाहरुख खान, सुनील शेट्टी, सुष्मिता सेन, जाये खान, कबीर बेदी, नसरुद्दीन शाह हैं
और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। इस साल एक और मूवी आती है लकीर। फिल्म में सनी देओल, सुनील शेट्टी, सोहेल खान और जॉन अब्राहम थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इस साल एक और मूवी आई आन। फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, शत्रुघ्न सिन्हा, परेश रावल, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, लारा दत्ता, रवि किशन, राजपाल यादव हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इस साल एक और मूवी आती है रक्त। फिल्म में सुनील शेट्टी, संजय दत्त, बिपाशा बसु, डीनो मोरिया नजर आती हैं और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इस साल एक और मूवी आई एक से बढ़कर एक। फिल्म में सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, शेखर सुमन, ईशा कोप्पिकर हैं और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर हो गई। इस साल एक और मूवी आती है हलचल। फिल्म में अमरीश पुरी, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, परेश रावल, अरबाज खान, करीना कपूर, अरशद वारसी, शक्ति कपूर नजर आते हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। इसके बाद 2005 में मूवी आई अमर ज्योति शहीद हो गया। फिल्म में सुनील शेट्टी, ओम पुरी, राजपाल यादव मुख्य भूमिका में नजर आए और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर हो गई। इस साल एक और मूवी आई पद्मश्री, लालू प्रसाद यादव। फिल्म में सुनील शेट्टी, महेश मांजरेकर, जॉनी लीवर और गुलशन ग्रोवर नजर आए और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर हो गई। इसी साल एक और मूवी आती है ब्लैकमेल। फिल्म में अजय देवगन, सुनील शेट्टी, प्रियंका चोपड़ा और दिया मिर्जा नजर आई और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर हो गई। इस साल एक और मूवी आई टैंगो चार्ली। फिल्म में अजय देवगन, भाभी देओल, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, आलोक नाथ, संजय मिश्रा और टीकू तलसानिया थे और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इस साल एक और मूवी आई पहेली। फिल्म में शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, सुनील शेट्टी, जूही चावला, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन और राजपाल यादव हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज के नीचे रही। इस साल एक और मूवी आई दस। फिल्म में संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अभिषेक बच्चन, जावेद खान हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इस साल एक और मूवी आई चॉकलेट। फिल्म में सुनील शेट्टी, अनिल कपूर, इरफान खान, अरशद वारसी थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इस साल एक और मूवी आई दीवाने हुए पागल। फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, शाहिद कपूर और रिमी सेन हैं और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इसके बाद 2006 में मूवी आई फाइट क्लब। फिल्म में सुनील शेट्टी, सुहेल खान, जावेद खान, रितेश देशमुख हैं और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है। इस साल एक और मूवी आती है शादी से पहले। फिल्म में सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, आयशा टाकिया, मल्लिका शेरावत हैं और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर संयोग बस फ्लॉप हो गई। इस साल एक और मूवी आई डरना जरूरी है। फिल्म में सुनील शेट्टी, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर और अर्जुन रामपाल हैं और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है। इस साल एक और मूवी आती है चुप चुप के। फिल्म में शाहिद कपूर, करीना कपूर, सुनील शेट्टी, नेहा धूपिया, परेश रावल, राजपाल यादव, शक्ति कपूर और ओम पुरी हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इस साल एक और मूवी आती है फिर हेरा फेरी। फिल्म में परेश रावल, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, बिपाशा बसु, राजपाल यादव, जॉनी लीवर हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो गई। इस साल एक और मूवी आई आपकी खातिर। फिल्म में सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, प्रियंका चोपड़ा, डीनो मोरिया, टीकू तलसानिया थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इस साल एक और मूवी आई उमराव जान। फिल्म में ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, सुनील शेट्टी, हिमानी शिवपुरी, कुलभूषण खरबंदा थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इस साल एक और मूवी आई अपना सपना मनी मनी। फिल्म में जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, रितेश देशमुख और श्रेयस्थल पड़े थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। इसके बाद 2007 में मूवी आई डोंट स्टॉप ड्रीमिंग। फिल्म में ऋषि कपूर, सुनील शेट्टी, माइकल कोलिंस थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है। इस साल एक और मूवी आती है सूट आउट लोखंडवाला। फिल्म में संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अमिताभ बच्चन, अरबाज खान थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। इस साल एक और मूवी आई कैश। फिल्म में अजय देवगन थे, सुनील शेट्टी, जावेद खान, रितेश देशमुख थे और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद आती है 10 कहानियां मूवी। फिल्म में थे संजय दत्त, सुनील शेट्टी, नाना पाटेकर, नसरुद्दीन शाह, मनोज बाजपेयी और अरबाज खान और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इसके बाद 2008 में मूवी आई 1-2-3। फिल्म में थे सुनील शेट्टी, तुषार कपूर, परेश रावल, ईशा देओल और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इस साल एक और मूवी आई मिस्टर व्हाइट मिस्टर ब्लैक। फिल्म में सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, अंशिका खोसला, रश्मि निगम थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इस साल एक और मूवी आई मिशन इस्तांबुल। फिल्म में थे सुनील शेट्टी, विवेक ओबरा, जावेद खान, श्रिया सरनी और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इस साल एक और मूवी आई मुखबिर। फिल्म में सुनील शेट्टी, सुशांत सिंह, समीर दत्तानी, ओम पुरी और जैकी श्रॉफ थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इसके बाद 2009 में मूवी आई डैडी कूल। फिल्म में सुनील शेट्टी, आरती छाबड़िया, आशीष चौधरी और किम शर्मा थे और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद मूवी आती है दे धनाधन। फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, कैटरीना कैफ, समीरा रेड्डी, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, असरानी और शक्ति कपूर थे और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसके बाद 2010 में मूवी आई तुम मिलो तो सही। फिल्म में थे सुनील शेट्टी, नाना पाटेकर, डिंपल कबाड़िया और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही।
इस साल एक और मूवी आई रेड अलर्ट। फिल्म में थे नसीरुद्दीन शाह, सुनील शेट्टी, विनोद खन्ना, समीरा रेड्डी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इस साल एक और मूवी आई बारूद। फिल्म में थे सुनील शेट्टी, शिल्पा शिरोदकर, किरण कुमार और मुकेश खन्ना और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इसके बाद अगली मूवी आती है नो प्रॉब्लम। फिल्म में थे अनिल कपूर, अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, परेश रावल, कंगना रनौत, सुष्मिता सेन और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। इसके बाद 2011 में मूवी आई थैंक यू। फिल्म में थे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, बाबी देओल, सोनम कपूर, रिमी सेन, इरफान खान और यह मूवी भी संयोगवश फ्लॉप हो गई। इसके बाद एक और मूवी आई लूट। फिल्म में थे गोविंदा, सुनील शेट्टी, जावेद जाफरी, माक्षा चक्रवर्ती, प्रेम चोपड़ा और सोनू सूद और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इसके बाद 2012 में मूवी आई मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। फिल्म में थे सुनील शेट्टी, राजपाल यादव, ओम पुरी, उदिता गोस्वामी और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इस साल एक और मूवी आई दिल्ली सफारी। यह एक कार्टून फिल्म है। इस फिल्म में आवाज देने वाले एक्टर हैं सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, गोविंदा और उर्मिला मातोंडकर और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इसके बाद 2014 में मूवी आई जय हो। फिल्म में थे सलमान खान, तब्बू, सुनील शेट्टी, डैनी डेंजोगपा, मोहनीश बहेल। इस फिल्म में सुनील शेट्टी ने थोड़ी सीन के लिए एक कैप्टन का रोल किया है, यानी फिल्म में ये एक ही बार दिखे हैं और यह मूवी जो थी ये हिट थी। इस साल एक और मूवी आई कोयलांचल। फिल्म में थे विनोद खन्ना, सुनील शेट्टी, विपिनो, रूपाली, कृष्णा राव और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इस साल एक और मूवी आई देसी कट्टे। फिल्म में थे सुनील शेट्टी, आशुतोष राणा, जय भानुशाली, अखिल कपूर और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इस साल एक और मूवी आई द शौकीन। फिल्म में थे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अनुपम खेर, अन्नु कपूर, करीना कपूर, अभिषेक बच्चन। सुनील शेट्टी ने इस फिल्म में एक छोटा सा सीन किया है और यह मूवी भी जो थी फ्लॉप थी। इसके बाद 2015 में मूवी आई थी दो चेहरे। फिल्म में थे शत्रुघ्न सिन्हा, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इसके बाद 2017 में मूवी आई थी अ जेंटलमैन। फिल्म में थे सिद्धार्थ मल्होत्रा, सुनील शेट्टी, जैकलिन फर्नांडिस, दर्शन कुमार और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर हो गई। इसके बाद 2019 में मूवी आई पहलवान। फिल्म में थे सुनील शेट्टी, सुदीप, आकांक्षा सिंह, सुशांत सिंह, कबीर दुहान सिंह और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसके बाद 2020 में मूवी आई थी दरबार। फिल्म में थे रजनीकांत, सुनील शेट्टी, योगी बाबू, दिलीप ताहिल, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसके बाद 2021 में मूवी आई मुंबई सागा। फिल्म में थे जॉन अब्राहम, सुनील शेट्टी, इमरान हाशमी, जैकी श्रॉफ, काजल अग्रवाल, गुलशन ग्रोवर और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इस साल एक और मूवी आई मोसा गल्लू। यह एक तेलुगु फिल्म थी। फिल्म में थे सुनील शेट्टी, विष्णु मंचू, काजल अग्रवाल, रोहित सिंह और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इस साल एक और मूवी आई मराक्कर। यह एक मलयालम फिल्म थी। फिल्म में थे मोहनलाल, अर्जुन, सुनील शेट्टी, प्रभु, मंजू वारियर, कीर्ति सुरेश और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद 2022 में एक मूवी आई गनी। यह एक तेलुगु फिल्म थी। फिल्म में थे सुनील शेट्टी, वरुण तेज, साई मांजरेकर, उपेंद्र जगपति बाबू और संयोग बस यह मूवी भी फ्लॉप हो गई।